नमस्कार। पैसे बलिया लाइव का बुलेटिन होत फजीरे। रेवती में रेलवे ट्रैक चटका तो हड़कंप मच गया। इस खबर पर करेंगे चर्चा, मगर शुरुआत यूपीटीईटी 2019 की परीक्षा की नई तारीख से। जी हां, यूपीटीईटी 2019 अर्थात अध्यापक पात्रता परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपीटीईटी 2019 की परीक्षा अब 8 जनवरी 2020 को होगी। पहले 22 दिसंबर को होनी थी यह परीक्षा, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए बवाल और इंटरनेट न चलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मौजूदा दौर में ₹10,000 का मानदेय कोई मतलब नहीं रखता, मगर कंगाल होने से जंजाल होना बेहतर माना जाता है। मगर विडंबना यह है कि वह भी समय से नहीं मिलता। वैसे फिलहाल महिला शिक्षा मित्रों के लिए एक खुशखबरी है। हमारे संवाददाता कृष्णकांत पाठक ने बताया कि महिला शिक्षा मित्रों को अब 6 माह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। प्रदेश सरकार ने यह सहूलियत महिला शिक्षा मित्रों, महिला अंशकालिक अनुदेशकों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को भी देने का फैसला किया है। सोमवार को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार की तरफ से जारी शासनादेश में यह जानकारी दी गई है। एक गुड न्यूज और भी है। बलिया से भारी तादाद में लोग बीएचयू में इलाज करवाने पहुंचते हैं। अब बीएचयू या ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों को ब्लड के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से ब्लड पर लगने वाला प्रोसेसिंग शुल्क खत्म कर दिया गया है। अभी तक ब्लड बैंक में रक्तदान करने के बाद मरीजों को ₹850 प्रति यूनिट का रक्त का प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ता था। सोमवार को दुभंग थाना क्षेत्र के जनाड़ी गांव से रिटायर्ड प्रभारी वीडियो अखिलेश कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1.5 दशक पुराने खाद्यान्न घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। ईओडब्ल्यू वाराणसी की टीम ने दुभंग पुलिस के सहयोग से अखिलेश कुमार पांडे को गिरफ्तार किया। साल 2000 से 2005 के बीच काम के बदले अनाज वाली संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मजदूरों को खाद्यान्न देने की बजाय कालाबाजार में बेच दिया गया था। खाद्यान्न घोटाले में कुछ महीनों के अंदर हुई इस तीसरी गिरफ्तारी के बाद आरोपितों में हलचल मची हुई है। गंगा बेसिन में औषधीय खेती के लिए उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को चिन्हित किया गया है। इसमें बलिया जिला भी शामिल है। इन जिलों में जीवन रक्षक औषधीय खेती को सरकार बढ़ावा देगी। इन जिलों में 16 औषधीय और सगंध प्रजाति की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा पद्धति को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सोमवार को नगर पालिका परिषद की टीम ने बलिया सिटी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। टीम का नेतृत्व एसडीएम सदर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव कर रहे थे। गुरुपर्व के मद्देनजर गुरुद्वारा रोड पर विशेष नजर रही ईओ दिनेश विश्वकर्मा ने नाली तक के अतिक्रमण को हटवाया। 3 गिरोहों के 126 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत गौतम बुद्ध नगर जिला की पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इन पर सुपारी लेकर हत्या करने, कंपनियों से जबरन ठेका हथियाने सहित कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी वैभव कृष्ण ने मीडिया को बताया है कि इस कानून के तहत पुलिस कांस्टेबल सतवीर सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। कांस्टेबल सतवीर सिंह बलिया जिले में तैनात था। हमारे संवाददाता वीरेंद्रनाथ मिश्र के मुताबिक सोनवर्षा गांव की गायत्री देवी को बैरिया के जूनियर हाई स्कूल पांडेपुर का प्रबंधक बनाया गया है। 72 साल की उम्र में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जवाहिर सिंह का निधन हो गया। वे सुखपुरा के भलोही गांव के निवासी थे। हमारे संवाददाता पंकज सिंह ने बताया कि जवाहिर सिंह 2002 से 2005 तक गढ़वार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे। वे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के निकटतम मित्र कुलदीप सिंह के पुत्र थे। संतुलन बिगड़ा तो बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई। यह हादसा सिकंदरपुर बालूपुर मार्ग पर आदर्श इंटर कॉलेज के गेट के पास हुआ। इस हादसे में नेमा टोला निवासी 35 वर्षीय संजय राजभर, 30 वर्षीय राजेश और 29 वर्षीय अमित जख्मी हो गए। इनमें संजय की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।
रेवती में रेलवे ट्रैक चटका तो हड़कंप मच गया। छपरा बलिया रेलखंड पर रेवती स्टेशन के कुआं पीपर रेलवे क्रॉसिंग से पूर्व यह हादसा हुआ। सोमवार को तड़के 5:45 पर डाउन श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने के बाद अचानक रेलवे ट्रैक चटक गया। पेट्रोलिंग पर निकले ट्रैकमैन मुन्ना कुमार और इलियास की नजर जब चटकी ट्रैक पर पड़ी तो उन्होंने इसकी सूचना तत्काल स्टेशन मास्टर और कंट्रोल को दी। आनन फानन में बलिया स्टेशन से इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत में जुट गई। अब सियालदह एक्सप्रेस को कॉशन के सहारे पास किया गया। इसके बाद इंजीनियरों की टीम ने उक्त क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत की, फिर परिचालन सुचारू रूप से शुरू हो गया। मिलते हैं फिर अगली बुलेटिन में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।